महंगे हवाई सफर ने टूर ऑपरेटर्स की मुश्किलें पहले से ही बढ़ा दी थी, ऊपर से मजबूत डॉलर ने रही सही कसर पूरी कर दी है। डॉलर महंगा होने से फॉरेन टूर पैकेज की डिमांड अब कम हो रही है। टूर ऑपरेटर्स के लिए यह शायद सबसे बुरा वक्त है। एटीएफ के दाम बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के किराए करीब 20% महंगे हो गए हैं। इसके बाद डॉलर की मजबूती ने विदेश घूमना और महंगा कर दिया, लिहाजा अब टूर ऑपरेटर्स के पास आने वाले फॉरेन टूर पैकेजेस के खरीदार भी कम हो गए हैं। जितने भी टूर्स हमने एडवर्टाइज करे हुए हैं वहाँ पर हमें डॉलर में हमने रेट नेगोशिएट करे हुए हैं, तो अब हमें और इंडिया में हमने रुपीज में करा हुआ है, तो रुपीज तो हमें उतने ही मिलेंगे पर डॉलर कम मिलेंगे उस रुपीज के, तो उसमें हमें 5-10% का नुकसान होना की उम्मीद है। फिलहाल यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे देशों के लिए टूर पैकेज 1 से 1.5 लाख रुपए के हैं, जबकि सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक और श्रीलंका जैसे एशियन डेस्टिनेशंस के लिए 50 से 70 हजार रुपए में पैकेज मौजूद है। अब ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑपरेटर्स विदेशी टूर पैकेजेस पर तमाम ऑफर्स दे रहे हैं। जैसे आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आखिरी 2 रात आपके लिए फ्री हों, या शॉपिंग की कूपन्स दे दें आपको, या कुछ माइलेज मिल जाए, या कोई गिफ्ट्स के वाउचर्स दिया जाए, तो ऐसे मतलब इस तरह के हम चीज़ें देख रहे हैं। अब मेन चीज़ यह है कि कस्टमर शुड फील द वैल्यू ऑफ दैट ट्रैवल एंड द परचेस ऑफ दैट प्रोडक्ट। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक डॉलर महंगा होने से उन्हें होटल बुक कराने से लेकर घुमाने तक में ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर डॉलर की कीमत आगे भी बढ़ती रही तो टूर पैकेजेस के दाम बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। अभिजीत द्विवेदी, दिल्ली।